गुड मॉर्निंग। हम लोग लर्न करने वाले हैं आज वर्ल्ड अराउंड मी पिक्चर बुक पेज नंबर 18 पर, है ना। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एयर इज एवरीवेयर, ऑल एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स प्लांट्स ट्रीज एंड ह्यूमंस नीड एयर। हम सबको एयर की जरूरत है। हम लोग जो ब्रीथ करते हैं वो एयर से ही ब्रीथ करते हैं। हम लोग ब्रीथ में क्या यूज करते हैं, एयर में ऑक्सीजन, है ना। पर हम लोगों को ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बट कभी कभी कुछ ऐसी गैसेस होती है जिसकी वजह से एयर पोल्यूटेड हो जाती है ना। तो कैसे कैसे एयर पोल्यूशन होता है वो हम लोग इस पिक्चर के थ्रू लर्न करेंगे। हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड, एयर कैसे खराब होती है, कैसे पोल्यूटेड होती है। पहला है बर्निंग वुड एंड ड्राई लीव्स। जब भी कभी लकड़ी या हम लोग ऐसे सूखी पत्तियां वगैरह जलती है तो उससे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी गैसेस निकलती है जो एयर को पोल्यूट करती है ना, हवा को खराब कर देती है। हम लोग कार के पीछे से जो एयर निकलती है ना, साइलेंसर से, कार और बाइक से, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो इस पूरे एयर को खराब कर देती है। इसके अलावा जब फायर क्रैकर जलाते हैं हम लोग, है ना, हम लोग क्रैकर जलाते हैं या हम लोग इस तरह से फायर क्रैकर हम लोग जब भी जलाते हैं तब भी एयर पोल्यूशन होता है। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज होती है ना, जहां पर सारी मशीन्स कपड़े ये सब कुछ बनते हैं, उसकी जो चिमनी होती है वहां से जो बाहर निकलती है एयर, वो भी एयर पोल्यूशन करती है। अब हम इस सब एयर को क्लीन कैसे रखेंगे, ये तो हो गया एयर पोल्यूशन, पर अब इस पोल्यूशन को ठीक कैसे करेंगे, है ना। हम लोग सही कैसे करेंगे, तो हम लोगों को ट्रीज ग्रो करने चाहिए। हम लोग जितने ज्यादा ट्री लगाएंगे उतने ही एयर क्लीन होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जर्व कर लेते हैं, वो उसको पी जाते हैं और उसके बदले हमारे को क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो एयर पोल्यूशन को ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रीज ग्रो करने पड़ेंगे, बहुत सारे ट्रीज हमको लगाने पड़ेंगे। ओके,